श्री साईं पेटवर्ल्ड के आज के वीडियो में दोस्तों मैं गुरदीप सिंह आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थोड़ा लेट हो गए इस बार, वीडियो काफ़ी देर से मैं डाल नहीं सका तो उसके लिए सॉरी। तो आज जैसा कि आप देख सकते हो मेरे साथ शिट्ज़ू के बच्चे हमारे पास हो रखे हैं और ये देखिए जी ये है, गैस कीजिए ये कौन है। तो ये इसका सबसे पहला वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, इससे पहले इसका कोई वीडियो है नहीं। तो ये है जी हमारी स्टार गर्ल सोफ़ी, ठीक है जी। इसकी प्रॉपर फोटोग्राफ जो ग्रूमिंग के साथ की हुई वो मैं आपको साथ में स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। इस समय इसके बाल काटे हुए हैं, ट्रिमिंग की हुई है और भगवान ने हमें कह लो कि 5 बच्चे दिए हैं और एक फीमेल है और 4 मेल है। बहुत 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 प्यारे हैं, देखिए कितने प्यार से दूध पी रहे हैं और कितने आराम से मेरे साथ बैठे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं इसका एक वीडियो ज़रूर शेयर करूं। हालांकि सारे बच्चे बुक हो चुके हैं, कोई भी बच्चा सेल के लिए इनमें से अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके बाद जूजू के बच्चे और कीकी के बच्चे दोबारा से होने वाले हैं। तो उसके अगर किसी ने बुकिंग करनी हो तो वो कर सकता है। 20 दिन 22 दिन 25 दिन पड़े हैं बच्चे होने को। लासा एप्सो के बच्चे भी होने वाले हैं और बहुत ही आपको मैं न्यूज़ देना चाहूँगा कि पिस्ती के बच्चे होंगे कोई अप्रॉक्सीमेटली 50 दिन के बाद। एक लासा एप्सो का मेल अभी भी हमारे पास अवेलेबल है सेल के लिए, तो वो अगर चाहिए हो वो गुरजीत जी के पास पड़ा है तो वो भी अवेलेबल है। तो इनसे मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा सबको, अभी तो वैसे दूध पी रहे हैं। ब्रीड जो है बड़ी प्यारी ब्रीड है, कूल है, जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पास बिल्कुल आराम से बैठे हैं। हालांकि किसी और ब्रीड, अगर कोई और ब्रीड हो और उसके बच्चों के पास अगर बैठना हो या मदर को अपने साथ बिठाना हो तो बड़ा मुश्किल होता है। मदर अग्रेसिव हो जाती है, काट लेती है, लोगों को भी काटती है, ओनर को भी, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि वो काट लेते हैं, ठीक है जी। तो अब मैं आपको इनसे एक एक बार इंट्रोड्यूस करवाऊँगा कि कौन कौन सा मेल है, क्या क्वालिटी है। क्वालिटी आपके सामने अभी आपको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले ओ बेटा दूध छाट दे, थोड़ा जा छाट दे पुत, छाट दे तो पहले वो बात पहले पीता नहीं। देखो जी सबसे पहले ये बच्चा बुक हुआ है, ठीक है जी। ये मेल है, ये हमें फॉरेन से मेरे ख्याल में यूएस से कॉल आया था, तो उनके रिलेटिव्स जो है यहाँ पे रहते हैं, जीरकपुर में ही हैं शायद, तो या मोहाली में है, मेरे को अभी कच्चा पक्का सा याद है। तो ये बच्चा उनके पास जाएगा। तो ये है जी, देखिए मार्किंग देखिए और फेस देखिए। अभी इनकी एज जो है सिर्फ़ और सिर्फ 3 हफ्ते हैं, ठीक है जी। तो 18, 20 दिन 22 दिन के हुए हैं। 14 तारीख का इनका बॉर्न था शायद। तो ये बच्चे ऐसे हैं जी, ये मेल है लैपोथुतुपी। चलते और ये भी मेल है, ठीक है जी। ये बच्चा बुक हुआ है राजपुरा में, ठीक है जी। उनका नाम पता नहीं क्या, नीरा नाम है कुछ ऐसे करके हैं, घर पे आके बुकिंग करके गए हैं। देखिए ब्यूटीफुल फुल मार्किंग। शिट्ज़ू में धीरे धीरे मैं आपको साथ के साथ थोड़े थोड़े टिप्स देना चाहूँगा, हालांकि ऑलरेडी दिए हुए हैं। ट्राई कलर में शिट्ज़ू होना चाहिए, ये ज़रूरी है। वाइट, ब्राउन एंड कान जो है वो ब्लैक होंगे, आँखों के ऊपर गॉगल्स भी कई बार ब्लैक होती हैं, लेकिन आगे जाके एज के साथ ये सारे का सारा फीका हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये है मेल। अब आते हैं, ओए 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 पुत 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 छोड़ दे आ जा। देखिए ये है फीमेल डॉग, ठीक है जी। ये अमृतसर में बुक हुई है लव जी के पास, तो बहुत ही अच्छी बहुत ही प्यारी। मेल और फीमेल डॉग में फ़र्क होता है साइज़ का, ठीक है जी। हमेशा हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा आपको साइज़ में वेट में फ़र्क लगेगा। देखिए ब्राउन, वाइट एंड ब्लैक, ठीक है जी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, ये बच्चे जो हैं सारे के सारे विद सर्टिफिकेशन है, विद माइक्रोचिप है। आगे भी सारे बच्चे हमारे पास जो अपने घर की ब्रीडिंग के होंगे, जो मेरे पास होंगे या गुरजीत जी के पास होंगे, मोस्टली शिट्ज़ू पपीज़ हम अब विद पेपर्स ही सेल कर रहे हैं। तो ये फीमेल है, ये जाएगी अमृतसर, ठीक है बेटा। अब आ गए जी भाई साहब,
ये देखिए, ये सबसे प्यारा, सबसे ब्यूटीफुल, ठीक है जी, मेल, ये मेरे दोस्त हैं मिस्टर नवनीत जी, उनके आगे रिलेटिव्स हैं, उनको मैंने मेरे ख्याल में 1.5 से 2 साल पहले डॉग दिया था, फीमेल डॉग दिया था, तो उनसे आगे यानी कि उनके खास हैं तो उनको चाहिए, तो इसके लिए हमने सोचा था कि इसको हम रिटेन करेंगे, अपने पास रखेंगे या फिर देखते हैं क्या करना है। तो ये लकीली उनका कॉल आ गया, उन्होंने बोला कि हाँ जी ऐसे वैसे के उन्होंने नंबर दिया है नवनीत जी ने, तो ये बच्चा उनके घर जा रहा है जी, मेल है, बहुत 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 प्यारा, देखिए डार्क ब्राउन, ब्लैक, वाइट, ठीक है जी, कानों के ऊपर ये सारा ब्राउन है, ये लाइट ब्राउन है जा रहा। तो जब पैदा हुए थे तब इनका कलर कुछ और था, तो अभी धीरे 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 ये जो वाइट है ये सारे का सारा इसको कवर कर लेगा। ये देखिए, ये ब्लैक में भी अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये डार्क ब्राउन में भी वाइट बाल आ गए हैं नीचे से, तो ये धीरे 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 ऐसे बाल आ जाएंगे, ठीक है जी। आ जा पुत्र, ओए होए, ओ काके, अच्छा ना 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 ना, रुक जा, दिन 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 दिन। ये है जी एक और, ये भी मेल, ब्यूटीफुल, वाइट, ब्राउन एंड कानों के ऊपर सेम ब्लैक, ठीक है जी। तो ये शिह ट्ज़ू होना चाहिए, ये जाएगा अपने दोस्त हैं, बहुत ही हमारे खास भाई हैं लखबीर जी, ठीक है जी, तो ये उनके पास जा रहा है। ये बच्चा एक तरह से हमारे घर में ही रहेगा, हमारा अपना ही है, इसको हम आगे, हमारा प्लानिंग है कि हम इसको आगे स्टड सर्विस के लिए या फिर स्पेशली हमने इसको एक तरह से कह सकते हो कि इसको हमने रिटेन किया है। दो बच्चे हमने चूज़ किए थे, या तो वो वाला या फिर ये वाला, तो फाइनली हमने ये वाला बच्चा रिटेन किया कि चलो जब वो बुक हो गया तो उसके बाद हमने सोचा कि नहीं अब इसको तो रखना ही रखना है, तो ये बच्चा हमने रिटेन किया है, लखबीर जी के पास जाएगा, ठीक है जी। लो बेटा तुम दूध पियो, हम पियो। तो दोस्तों एक मैं जाते जाते इस वीडियो में बताना चाहूँगा, आगाह करना चाहूँगा कि आजकल मार्केट में सिंगल कलर के शिह ट्ज़ू पपीज़, ठीक है जी, वो कहना शुरू हो गए, ब्राउन कलर में ज़्यादातर आ रहे हैं, तो ब्राउन कलर के वो शिह ट्ज़ू पपीज़, पता नहीं वो शिह ट्ज़ू से क्रॉस है कि क्या है, ब्राउन कलर के आ रहे हैं, ब्राउन के ऊपर कई बार क्या होता है उनकी लेग्स वाइट होती हैं या फिर पूरा ब्राउन होता है, तो वो बच्चे आजकल आ रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही ब्राउन कलर के नहीं होते, लेकिन जो ब्राउन कलर के होते हैं उनके फेसेस से पता लग जाता है कि हाँ भाई ये शिह ट्ज़ू है या ल्हासा है। ल्हासा है और शिह ट्ज़ू में क्या डिफरेंस है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप सभी लोगों ने उसको बहुत 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 अप्रिशिएट किया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आज तक मेरे को उसके लिए कॉल्स आते हैं, लोगों की अप्रिसिएशन आती है कि नहीं आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया, कोशिश करते हैं ब्रीफ करने की, और कोशिश ये भी होती है कि लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ जाए, जैसे कि अभी आपको मैंने समझाने की कोशिश की। तो ये कहना चाहूँगा कि सिंगल कलर में शिह ट्ज़ू ज़्यादातर नहीं आते, आते हैं तो यहाँ पर हिंदुस्तान में फ़िलहाल तो नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा उसके फीचर्स के ऊपर आप ध्यान दीजिए, देखिए ब्लैक कलर का शिह ट्ज़ू, ठीक है जी, मेरे हिसाब से नहीं होता, होता है तो आप उसके फीचर्स देखिए। हालांकि पीछे जो एक केस भी आया था उनका, मैंने वीडियो, मेरे को इंस्टाग्राम पे वो फॉलो करते हैं, उम्मीद है कि वो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको पता है कि कौन है वो कमेंट बॉक्स में अपना वो बोल के बता सकते हैं कि हाँ भी मेरी बात कर रहे हैं। उनको ब्लैक कलर का शिह ट्ज़ू किसी ने, हमारे का नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने दे दिया था, तो उनके पास चला गया, जब पहुँच गया उसके पास तो धीरे 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 उसका जो फेस है वो वाइट होना शुरू हो गया, ठीक है जी। तो उन्होंने कंप्लेंट किया कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब वो शिह ट्ज़ू भौंक रहा है जी, आवाज़ बहुत ज़्यादा यानी कि शोर मचा रहा है, कोई आता है तो शोर मचा रहा है, किसी को काट भी रहा है, ठीक है जी। अब ये कैसे हुआ, शिह ट्ज़ू का बिहेवियर जो है वो कूल है, ठीक है जी, आपके सामने है, ये नहीं काटते जी, बहुत कम काटते हैं, बहुत रेयर चांस है किसी को साल, 1.5 साल 2 साल में एक बार कुछ ऐसा हो गया कि उसने काट लिया हो, लेकिन अग्रेसिव हो जाए, दांत निकाले, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि ये हो रहा है जी, ऐसे है, मेरे पास ब्लैक शिह ट्ज़ू है, आप इसको सेल करवा दो, आप इसको दे दो किसी को, हमने इसको सेल करना है, उसके बाद हमने आपसे डॉग लेना है। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा देखो जी ये तो चलो आपने बता दिया, आपने मेरे से पहले क्यों नहीं संपर्क किया लेने से पहले। कहते नहीं, हमने आपसे संपर्क किया था, हमने आपको पूछा था कि हाँ जी हमें ब्लैक कलर का शिह ट्ज़ू चाहिए, और आपने कहा था कि ब्लैक कलर का शिह ट्ज़ू नहीं होता और नहीं है, लेकिन फिर भी
मैंने बुक को बोला, लेकिन फिर भी आपने वो ले लिया। तो थोड़ा सा या तो ले लिया है तो उसके बाद उसको पछताओ ना जी, ठीक है जी। अब वो आपका बच्चा है, आपका बेटा है, आपका भाई है, कुछ भी है, जो भी आप उसको समझ के ले रहे हो। अब रखड़ी का त्यौहार आ रहा है, ठीक है जी। अभी मेरे को रिसेंटली अभी कॉल आया तो वो कह रहे हैं कि हमने अपना आपसे जो डॉग लिया था उसको, मेरी बेटी कह रही है कि मैंने रखड़ी बांधी, मेरा भाई है वो, तो वो राखी बांधनी है, तो वो आपका एक फैमिली मेम्बर है ना, तो उसको आप कैसे छोड़ सकते हो। आपने उसको रेडी किया है, आपने उसको तैयार किया है, उसको एक साल तक, आठ महीने तक, छः महीने तक या डेढ़ साल, दो साल तक आपने रखा है, तो अब आप उसको सेल करने का सोच रहे हो, तो ये मेरे हिसाब से ये गलत है। उस डॉग को ये नहीं पता, उस बच्चे को ये नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, कि उसको उसके लिए एक नए घर के बारे में सोचा जा रहा है। पता नहीं वो आगे जाके एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जो लोग अडॉप्शन के लिए देते हैं, मेरे को भी कॉल करते हैं, हालांकि मैं इंस्टाग्राम पे ऐसी पोस्ट डाल देता हूं कि हाँ भी आपसे नहीं रखा जा रहा, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए मेरी उन सभी से अपील है कि कृपया आप अपने डॉग को अडॉप्शन के लिए कि कहीं दूर ना दीजिए। अगर देना है, आपसे नहीं संभल रहा, तो अपने किसी रिश्तेदार को दे दीजिए, अपने किसी दोस्त को दे दीजिए, जहाँ पर जाके आप उसको बार बार मिल सको, महीने में एक बार हो, दो महीने में एक बार हो, चाहे चार महीने में एक बार हो, उस डॉग को भी होगा कि हाँ भी मेरा मालिक मेरे को मिलने आया है, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। सोफ़ी, हाँ बेटा, अब इसने मुझे लगता है दूध पिला लिया है, अब मैं आपको इससे, आजा 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 आजा, से हेलो टू यूट्यूब, से हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो। देखिए जी, ये सोफ़ी है, सोफ़ी चुप। इसकी एज जो है वो चार साल के आसपास होगी। आज तक मैंने इसको कह लो कि हाँ बेटा 10, तो आज तक मैंने इसको यूट्यूब पे यानी कि कोई वीडियो डाला ही नहीं था। इस बार मुझे लगा कि इस बार भी ऐसा ना हो कहीं कि फिर से कह लो कि ये जलंधर चली जाए। ज़्यादातर ये जलंधर ही मम्मी के पास ही रही है, तो और मैं इसका कोई वीडियो डाल ना सकूँ। हाँ बेटा, तो ये सोफ़ी आपको कैसी लगी, सोफ़ी के बच्चे कैसे लगे, ठीक है जी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको चीज़ सही ना लगी हो वो आप अपनी राय दे सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमेशा 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 स्वागत है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई ब्रीड के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, से बाय टू यूट्यूब, बाय बाय।